बाढ़ ने तमाम सरकारी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। बिहार के सीतामढ़ी में जिस अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, 3 दिन से बरसाती पानी वहां जमा हुआ है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही कोई सुध लेने वाला है। इस इमारत के अंदर कोरोना के मरीज हैं और बाहर पूरा कैंपस पानी से लबालब हो चुका है। नौबत ये आ गई कि पानी के बीच से ही अस्पताल में सामान पहुंचाया जा रहा है, वो भी स्ट्रेचर के जरिए। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये कोविड हेल्थ केयर सेंटर का हाल है। यहाँ कितना जल जमाव हो चुका है, ये गाड़ी के गुजरने की इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं। ये पानी यहाँ जमा होकर संक्रमण फैला सकता है, लेकिन ऐसा लगता है ना तो अस्पताल प्रशासन को और न ही जिला प्रशासन को इसकी फिक्र है। इस बद इंतजामी को जब एबीपी न्यूज की टीम कैमरे में कैद करने लगी तो वहाँ मौजूद अस्पताल कर्मचारी रोकने लगा, साथ में ये सफाई भी देने लगा कि बरसाती पानी जमा होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को काम कर रहे हैं, सारे पुलिस फोर्स जवान सब लोग काम कर रहे हैं, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो लोग सुरक्षित हैं, सब अच्छे से हैं। सुना आपने, सीतामढ़ी का ये कोरोना अस्पताल 2-3 दिन से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई देखने वाला नहीं है।